बड़े ही सिखाते हैं चीटिंग करना है। आप तो खड़े हो ही गए थे पर चीटिंग कराने वाले करा रहे हैं आपसे। एक बात और समझ लीजिए बच्चे, मेरा निवेदन है आप सभी से, कभी भी नकल करके अगली क्लास में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि नकल करके अगर आप कुछ बन भी गए तो हो सकता है आप पैसा कमा लें, लेकिन आप कभी भी कॉन्फिडेंस अर्जित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है आपने नकल की है। नकल करने में जितनी मेहनत करते हो उतनी ईमानदारी से अगर रियल अपने लिए मेहनत कर लो, मैं दावे से कहता हूं शायद जिसकी नकल कर रहे हो उसे आगे निकल जाओ तुम। जितना टाइम अपना फोन में लगा रहे हो ना, युवाओं से मेरा निवेदन है, बच्चों से मेरा, यह फोन रूपी जो बीमारी आपने पाल रखी है इससे अपना टाइम सेव कर लो और वही टाइम अपनी स्टडी में लगा दो। और वही टाइम आप अपने स्टडी में लगा दोगे तो मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि आप निश्चित तौर पर बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, इवन यू सक्सेस इन योर लाइफ। और करें का जब फ्रेंड कहते हैं हमने आपको फोन किया, आपको मम्मी ने फोन नहीं दिया तो हमको परेशानी होती है, हमें तो फोन चाहिए। फोन चाहिए कि अच्छे नंबर चाहिए, जवाब दो, फोन चाहिए कि अच्छे नंबर, फोन चाहिए कि अच्छी जॉब, जोर से बोलो, फोन चाहिए कि अच्छी जॉब, फोन चाहिए कि कॉन्फिडेंस। और ये बिना उनके होगा नहीं मेहनत के, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। मैं भाग्यशाली हूं शायद इसीलिए युवा आते हैं मेरे पास कि जितनी चिंता आपको अपनी है उतनी चिंता आपकी मुझे भी है। अब ये बात आपके मम्मी पापा का भी नहीं सिखाएंगे, नकल करके मत करना। आपके मम्मी पापा का जैसे भी करो कर लो, बस तुम्हें तो पास हो जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इतने तो बस नंबर दिखा दो हमें तो। ऐसे नहीं, किसी के किराए के नंबर हैं वो आपके नहीं है, और किराए की चीज सुख नहीं देती, आपके खुद के होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इट्स माइन। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है टाइम और मेहनत, हार्डवर्क। जब हार्डवर्क करेंगे ऐसा हो, सरस्वती माँ को रोज प्रणाम करके, नित्य प्रणाम करके जाया करो पढ़ने माँ से। और हाँ, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय ट्यूशन मत पढ़ा करो, वरना कितना भी पढ़ लो सब भूल जाओगे। आजकल सबके ट्यूशन सूर्यास्त के समय है, ये प्रॉब्लम है हमारे बच्चों के साथ। जो आजकल बहुत बातें होती हैं, महाराज हमारा बच्चा इतनी मेहनत करता है मार्क्स नहीं आते, पढ़ता है याद नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता कि जिस समय सूर्यास्त हो रहा है उस समय आपका बच्चा पढ़ रहा है ट्यूशन, जितना पढ़ेगा सब भूल जाएगा 10 मिनट में।